आज फर्स्ट अक्टूबर को जो मुख्तलिफ अखबारात में हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज़ आई है वो ज़रा ब्रीफली देख लेते हैं कि ये दी न्यूज़ ने पब्लिश किया है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो टेक्स्ट बुक्स हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए वो सरफेस मेल के थ्रू भेजी जा रही थी, अब वो ऑनलाइन बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल की जाएंगी। जो भी एडमिशन लेंगे नेक्स्ट जो आटम 2019 सेमेस्टर है उससे, और ये डिसाइड हुआ है जी 49 रीजनल ऑफिसेज की जो मीटिंग हुई है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस उसमें। उसके बाद ये बेसिकली बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर पब्लिश की है कि इंडोनेशियन जो एम्बेसडर है उन्होंने यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद विज़िट किया और वहाँ पर जो बायलेटरल जो रिलेशन है फर्दर उसको इन्हेंस करने के हवाले से बात की, और जो इंडोनेशिया है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है कोऑपरेट करना चाह रहा है। उसके बाद ये दी न्यूज़ में दूसरी एक खबर है जो प्रेसिडेंट ने जो है फॉस्ट की सेनेट मीटिंग इस संडे को कराची में अटेंड की, चेयर की बल्कि, तो उसमें 14th मीटिंग में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अमूर डिसाइड हुए, और उसमें जो वाइस चांसलर है उन्होंने उन्होंने ये बताया कि जो इस्लामाबाद कैंपस है वो जनवरी 2020 को जो है ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे जो इस वक्त बिल्डिंग किराए पे चल रही है 40 लाख के करीब जो है उसकी मंथली रेंट है वो बच जाएगा, वो काफ़ी फ़ायदा होगा बजट वगैरह के हवाले से। उसके बाद चाइना ने प्रॉमिस किया है मोर स्कॉलरशिप्स के हवाले से, और दी न्यूज़ ने ये खबर पब्लिश की है जो चाइनीज़ एम्बेसडर पाकिस्तान में है याओ जिंग, उन्होंने जो है 5 डे ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान ये बात बताई। कायद यूनिवर्सिटी में वो वर्कशॉप हो रहा है अंडर दी टाइटल चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन अर्थ साइंसेज, और चाइना ने कमिट किया है कि वो इस कोलेब्रेशन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे और 8.4 बिलियन जो है उसके वो प्रोजेक्ट्स लगाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट थीम्स पे कोलेबोरेट करने का जो है रखते हैं जहन में। उसके बाद ये डॉन में जो है डॉक्टर समीना महनाज पाकिस्तान की जो फर्स्ट हम्बोल्ट एम्बेसडर साइंटिस्ट है उसके हवाले से एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की है, जो एफसी कॉलेज की फैकल्टी मेंबर हैं और उन्होंने कायद यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है निपजी के थ्रू, और उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की फेलोशिप भी मिली है, और इनकी जो हम्बोल्ट एम्बेसडर साइंटिस्ट का जो फर्स्ट टेन्योर मिला था वो 2016 से 18 और अब 2019 से 21 को मिला है, और इनकी जो है रिसर्च वो ज़्यादातर टीबी और जो कैंसर है उसके ऊपर है। उसके बाद ये चेयरमैन एचसीसी जो यूनिवर्सिटीज़ में गए थे मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो, तो वहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ बाकी के वाइस चांसलर और जो एजुकेशनिस्ट थे उनसे खिताब किया और शेयर किया कि एचसीसी कोशिश कर रहा है बजटरी जो मामलात हैं उनको इम्प्रूव करने के हवाले से। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को 105 बिलियन के बजट की रिक्वेस्ट गई थी और उसमें से 65 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट ने दिए, तो साथ में उन्होंने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी के रोल को एम्फेसाइज किया। दूसरी खबर अगेन दी न्यूज़ में ही है कि जो सिंध मदरसतुल इस्लाम में चेयरमैन एचसीसी डॉक्टर तारिक बनोरी गए थे तो उन्होंने खिताब करते हुए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से कि सिर्फ 300 जो लोग हैं वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर सके, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि ग्रेजुएट जो प्रोड्यूस अब हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो एक तादाद है कि 3 मिलियन नौजवान इस वक्त जो है 18 से 27 साल की एज के दरमियान वाले वो यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, जो कि 2002 में जो है सिर्फ 3% के बराबर था। तो कंसर्न डॉक्टर मोहम्मद अली शेख जो वाइस चांसलर हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम के उन्होंने भी अपना शेयर किया इस हवाले से।